आज का जो सेशन है उसमें हमें जो दो कल के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करना है। पहला हमारा सब टोटल का टॉपिक है और दूसरा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से जो रिमेनिंग चीजें हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सेल के अंदर सब टोटल नाम के दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक फंक्शन है और एक डाटा के टैब के अंदर सब टोटल है, उन दोनों को हम देखेंगे। सब टोटल का एक्चुअली काम कहाँ पर है, देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास एक छोटी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें बताया गया कि मेरे पास टोटल कैश इन हैंड 100 मिलियन है, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास 200 मिलियन है, फर्नीचर एंड फिक्स्चर के अगेंस्ट में मेरे पास 300 मिलियन है, देन ऑफिस इक्विपमेंट में मेरे पास 400 मिलियन है और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मेरे पास 500 मिलियन है। तो मेरे पास फिक्स एसेट का जो टोटल बनता है वो तकरीबन, तो मैंने उसका सम किया तो आंसर आया 1200 मिलियन जो है वो मेरे पास फिक्स एसेट का सम बनता है। और इसी तरह से मेरे पास जो गुडविल है वो 600 मिलियंस का है। अब अगर मुझे देखना है कि एग्जैक्टली ये 1200, ये 200 और ये 600, इसको मुझे सम करना है, तो मैंने जब सम का फॉर्मूला अप्लाई किया तो आंसर मेरे पास ये गलत पॉपुलेट कर रहा है, क्योंकि सम होना चाहिए एक्चुअल में दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू एंड देन एंटर, आंसर आना चाहिए 2100। लेकिन जब मैंने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसने क्या किया, यहाँ पर ये 1200 को भी उसने एड कर लिया है और ऊपर जो इसके ब्रेकअप्स दिए हुए वो भी प्लस हो गए, जिसकी वजह से ये बन गया 2400। 2400 के अंदर ये 600 प्लस हुआ तो ये बन गया 3000 और 3000 के अंदर ये 300 प्लस हो गया तो आंसर बन गया 3300। यहाँ पर ये आंसर हमारे पास गलत आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर जो आपके पास बीच में भी टोटल हो रहा होता है और आपको लास्ट में भी टोटल चाहिए होता है, तो वहां पर एक तरीका ये हो सकता है कि आप मैन्युअली जाकर बारी बारी सिलेक्शन करें वैल्यूज को और फिर उसके बाद रिजल्ट कैलकुलेट करें, या जो ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड है, जो ज्यादा पावरफुल मेथड है, वो सब टोटल है। हमने सब टोटल का फंक्शन ऑलरेडी फिल्टर की क्लास के अंदर पढ़ा था जब फिल्टर का टॉपिक डिस्कस किया था। यहाँ पर यही सब टोटल यूज करेंगे हम, फॉर्मूला होगा जहां सम है वहां हम लिख देंगे सब टोटल करें ब्रैकेट ओपन, और चूंकि सम करना है तो हमने 9 नंबर का कोड दिया कॉमा और उसके बाद हमने सारी फिगर सेलेक्ट कर ली एंटर, तो आंसर आ गया कि जी ये सारे नंबर का प्लस आ रहा है 1200। और लास्ट में मैंने अब सब टोटल का फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन, और सब टोटल में हमने 9 नंबर का कोड दिया कॉमा और मैंने सारी रेंज ले ली इंक्लूडिंग बीच में जो सब टोटल से मैंने सम किया हुआ है उसको भी मैंने सेलेक्ट किया और देन एंटर किया। आप देखें सब टोटल ने क्या किया, पूरी रेंज को चेक किया, अगर कहीं पर सब टोटल ऑलरेडी फंक्शन उसे बीच में मिल रहा है तो उसने इसे इग्नोर किया और लास्ट में टोटल आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दे दिया। तो ये एक जबरदस्त फायदा है कि आप अगर कोई बीच में ब्रेकअप्स बना रहे होते हैं तो वहां आप सम की जगह आप सब टोटल इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में आप जब सब टोटल इस्तेमाल करेंगे तो फायदा ये होगा कि कहीं भी रेंज के दरमियान अगर सब टोटल से फॉर्मूला प्लस हो रहा है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। ये एक जबरदस्त एडवांटेज आपको मिलता है। अब इसी चीज को अगर एक और सिनेरियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर रीजन ईस्ट के अंदर मैंने 6 मंथ के अंदर ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट सेल की है तो मेरे पास ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है और ये रेवेन्यू मैंने ऑलरेडी सब टोटल से निकाला हुआ है, ठीक है, ये स्टॉक शीट है, लास्ट में सम ऑलरेडी आ रहा है। इसी तरह से बेस्ट रीजन के अंदर फर्स्ट 6 मंथ के अंदर मैंने यही 3 प्रोडक्ट सेल की, उसका रेवेन्यू आ रहा है, नॉर्थ रीजन का रेवेन्यू आ रहा है, साउथ रीजन का रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर मैं सपोज करें यहाँ पर सब टोटल नहीं होता, यहाँ पर सम होता, तो मैं आपको रिजल्ट बताऊं, इस वक्त रिजल्ट क्या कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, वो हर एक को प्लस कर रहा है, जैसे इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस एंड दिस वैल्यू एंड देन एंटर, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो सब टोटल बिल्कुल इस वक्त परफेक्ट काम कर रहा है क्योंकि वो बीच में दिए हुए सारे सब टोटल को इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर मान के चले कि मैं इन सबको अगर करेक्ट करना चाहता हूँ, ये सब टोटल हटाना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, चेंज कैसे करेंगे इस टोटल को। में मैंने किया इन तमाम को सेलेक्ट और मैं चला गया कीबोर्ड से कंट्रोल एच और मैंने कहा आप फाइंड करें इसको और इसकी जगह पर लिख दें वाला फंक्शन,
और रिप्लेस ऑल चला दिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया, तो आपने जितने सब टोटल के फंक्शन थे वो सारे सम बन गए। और यहाँ पर ये तीनों प्रोडक्ट सम हो रही है, जिटरी की, फिर फैब की, फिर मर्ज की। इसी तरह से वेस्ट रीजन के अंदर भी हो रहा है, नॉर्थ के अंदर भी हो रहा है, साउथ के अंदर हो रहा है। आप देखिए रिजल्ट अब गलत आना शुरू हो गए, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल भी आ रहा है और उसके ब्रेकअप्स भी आ रहे हैं, हालांकि लगा हुआ सब टोटल है। तो आप क्या करना होता है कि वन गो में ये सारे सम को रिप्लेस कर देना होता है सब टोटल के अंदर। ये कैसे होगा? आपने कंट्रोल एच प्रेस किया और आपने कहा कि सर्च करो सम को और उसकी जगह पर लिख दो सब टोटल ब्रैकेट ओपन 9 नंबर कॉमा, और आगे तो रेंज है वो दोनों सेम ही है। ये रिप्लेस हो गई, आप देखिए नीचे आंसर 20,000 हमारा एक्यूरेट आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सब टोटल फंक्शन का एडवांटेज हमने देखा, और एक एडवांटेज हम ऑलरेडी देख चुके थे फिल्टर के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास है, अगर मुझे सब टोटल करना है सपोज प्रोडक्ट वाइज या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज या लोकेशन वाइज। जी 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 सर, वो किसी का माइक खुला के पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज चल रही है तो उसकी वजह से बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सबके माइक को वन गो में बंद कर देते हैं। यस ठीक है सर, मैंने वैसे सबको म्यूट ऑल कर दिया है। ओके सो बाकी लोग भी अगर अपने आप को म्यूट कर लें तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां मुझे प्रोडक्ट वाइज अमाउंट का जो है वो सब टोटल चाहिए। अच्छा, पहला कॉलम एक्स्ट्रा है, मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ। और मैंने प्रोडक्ट पे रहते हुए, चूंकि प्रोडक्ट वाइज मुझे सब टोटल चाहिए, तो प्रोडक्ट पे रहते हुए मैंने डेटा के टैब में जाके यहाँ सॉर्ट चला दिया, तो ये सारी प्रोडक्ट मेरे पास सॉर्ट होकर आ रही है। आइदर मैं ए टू जी कर दूं या जेड टू ए कर दूं, मेरी चॉइस है। उसके बाद मैं इसी डेटा के टैब में सब टोटल के ऑप्शन में जा रहा हूँ, और मैंने कहा कि आप एक्चुअल में सब टोटल अप्लाई करें प्रोडक्ट की फील्ड पर, और आपको सम करना है अमाउंट को, सम करना है अमाउंट को। ओके किया, आप देखें हार्ड डिस्क की जो टोटल सेल्स है वो मेरे पास आ रही है, कीबोर्ड की टोटल सेल्स आ रही है, लैपटॉप की सेल्स आ रही है, एलसीडी की सेल्स आ रही है। तो इसने प्रोडक्ट वाइज मुझे रिजल्ट सम करके दे दिया अमाउंट का, और यहां पर 1, 2, 3 नाम के तीन ग्रुप्स भी दे दिए। अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास सिर्फ ग्रैंड टोटल पॉपुलेट हो रहा है, अगर 2 पे क्लिक करता हूं तो हर एक का सब टोटल पॉपुलेट हो रहा है और ग्रैंड टोटल पॉपुलेट हो रहा है, और अगर 3 पे क्लिक करता हूं तो हर एक की डिटेल्स भी मेरे पास पॉपुलेट हो रही है। और अगर किसी की डिटेल को इंडिविजुअली मुझे क्लोज करना है तो मैं माइनस के बटन पे क्लिक करता हूं, तो उसकी इंडिविजुअल वैल्यू को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, हाइड कर रहा हूं, और रिमेनिंग जो टोटल इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नजर आ रही है, और जिसकी डिटेल मुझे देखनी है वो डिटेल मुझे बकायदा नजर आ रही। तो ये कुछ चॉइसेस है मेरे पास जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने लिए। इस सब टोटल को क्लियर करना है तो हम वापस सब टोटल में जाते हैं और यहाँ से रिमूव ऑल का ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये ठीक हो गया। अच्छा, आप सब टोटल एक से ज्यादा फील्ड पे भी लगा सकते हैं। सपोज करें मुझे प्रोडक्ट का यूनिट वाइज काउंट भी चाहिए या सम चाहिए और अमाउंट का सम भी चाहिए, तो मैंने सब टोटल ही अप्लाई किया और मैंने कहा कि आप प्रोडक्ट वाइज अमाउंट को और यूनिट वाइज सम करके देते हैं। ओके कर दिया, आप देखें प्रोडक्ट वाइज सम हो रहा है, कितने यूनिट सेल हुए और अमाउंट का रेवेन्यू क्या आ रहा है मेरे पास। तो हमारे पास ये सारी चीजों का काउंट भी एक तरह से निकल कर आ गया और रेवेन्यू भी निकल कर आ गया। तो चॉइसेस हमारी है, हम जिस तरह से चाहे काम करें। अच्छा, अब मान के चले कि मुझे इसको एम्प्लॉई वाइज देखना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एम्प्लॉई को सॉर्ट किया और फिर सब टोटल में जाकर मैंने कहा कि प्रोडक्ट नेम की जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ले ले, अमाउंट वाइज इसका कैलकुलेट करके दे दे। ओके किया, अहमद की टोटल सेल्स आ गई, अहमद की इनवॉइसेस आ गई, अली का डाटा आ गया, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को हम देख पा रहे हैं। और नॉर्मल करने के लिए मैंने दोबारा से इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये सब टोटल दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आइदर आप फॉर्मूला के थ्रू काम करें या आइदर आप टैब के थ्रू काम करें, आपकी चॉइस है। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल काफी इस पे डिस्कस कर लिया था, और बाकी मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता दूंगा तो
अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग आगे चीजों को देख लेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर अगर मुझे तमाम इरफान को हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तमाम प्रोडक्ट्स को चूज करूंगा और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और मैंने कहा हाईलाइट करें उस रिकॉर्ड को जिसका टैग्स दैट कंटेंट है, फॉर एग्जांपल इरफान, और उसका कलर मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया और ओके। अब अगर इरफान की जगह सपोज मुझे फाहद को ढूंढना है और वो हाईलाइट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा फार्मूला में जाना पड़ेगा, मैनेज रूल में जाना पड़ेगा और अपने फार्मूला को करेक्शन करना पड़ेगा कि टैक्स दैट कंटेंट होना चाहिए फाहद के और ओके एंड देन ओके। आप देखिए फाहद का रिकॉर्ड हाईलाइट हो रहा है। तो ज्यादा अच्छा ये होता कि बजाय इसके कि मैं इस रूल को खत्म कर रहा हूं, बजाय इसके कि मैं फार्मूला को हार्ड कोड लिखूं, मैं उसे सेल के साथ कनेक्ट कर दूं। तो हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हमने कहा टैक्स दैट कंटेन और उसमें हमने टैक्स लिखने की जगह उस सेल पे क्लिक कर दिया जिसके साथ हमें इसका रेफरेंस क्रिएट करना है एंड देन ओके। तो आप देखें फिलहाल तो इरफान है वो हाईलाइटेड है, लेकिन अगर मैं फाहद लिखता हूँ तो वो हाईलाइट हो गया, अगर मैं सपोज करें शाहिद लिखता हूँ तो वो हाईलाइट हो गया। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है। यही काम हम अमाउंट पे कर सकते हैं। सपोज करें मैं कहता हूँ नेट सेल्स जिसकी 4000 से ज्यादा है वो हाईलाइट हो जाए। तो हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हमने कहा द वैल्यू इज ग्रेटर देन होनी चाहिए दिस अमाउंट और ओके। आप देखें जहां पर 4000 से बड़ी वैल्यू मिल रही है हाईलाइट है, जहां पर 2000 से बड़ी वैल्यू मिल रही है ज्यादा फिगर्स हाईलाइट है, 1500 से बड़ी फिगर्स मिल रही है वो फिगर्स हाईलाइटेड है। तो हम अपने सेल्स के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं जिसका हमें लॉन्ग टर्म फायदा होता है। अच्छा अब इसका एक्चुअल पर्पस क्या है या ये कहाँ एक्चुअल में हेल्प करेगा, एक तो सेल लेवल पे फायदा हो जाएगा, दूसरा मेरे ख्याल है ये अपनी मर्जी के रूल्स बनाना, रेड कहाँ होगा, येलो कहाँ होगा, ग्रीन कहाँ होगा, ये हमने कल देख लिया था, सेल्स हाईलाइट ये हमने देख लिया था, ठीक है, मल्टीपल कलर्स हाईलाइट हमने देख लिया था। इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि किसी भी इनवॉइस को सपोज हाईलाइट करना है। अब यहाँ मेरे पास एग्जांपल नंबर 9 दी हुई है, एग्जांपल नंबर 9 में मुझे करना ये कि जिसका भी सीएनआईसी नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने ये सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए पहले और फिर मैंने वही टेक्निक लगाई, द सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू हो इस सेल के और ओके कर दिया। आप देखें इस सेल पे जो भी नंबर आ रहा है वो हाईलाइट है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, कोई नया नंबर डाल दूं, वो हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ फिर से मिटाकर कोई नया नंबर डाल दूं, वो हाईलाइट हो गया। तो ये एक फायदा हुआ कि आपने सेल के साथ रेफरेंस क्रिएट किया। लेकिन अब दूसरे एग्जांपल में मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी ये इनवॉइस हो ना उसकी पूरी रॉ हाईलाइट हो जाए। अभी क्या हो रहा था कि सिर्फ वही कॉलम हमने सेलेक्ट किया था जिसको हाईलाइट करना था और जब वो मैच हो जाए। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई ये इनवॉइस नंबर जब यहां से मैच हो जाए तो एक्चुअल में पूरी रॉ हाईलाइट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और अब की बार हम न्यू रूल बनाएंगे। न्यू रूल में जाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेटेड और हमने कहा इक्वल टू इस सेल की वैल्यू। अब जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया ये सेल यहाँ आ गया सेल रेफरेंस और ये एब्सोल्यूट है, ये देखिए लॉक है सेल। ये हमने टॉपिक पढ़ लिया था सेल्स को लॉकिंग करने का तरीका। हमने कहा दिस सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस सेल हो। अब जैसे ही मैंने इसको इस सेल को इस सेल के बराबर कर दिया तो वो क्या होगा, उसके कलर को मैंने कहा कि भाई तुम हाईलाइट कर देना येलो कलर से। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने तो A4 को A7 से कनेक्ट किया तो वो A8 पे कब जाएगा, A9 पे कब जाएगा, A10 पे कब जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सेल लॉक है। तो अगर मैं रॉ को अनलॉक कर दूं तो इसका मतलब है कि मेरा कॉलम लॉक है, कॉलम को चेक करे लेकिन रॉ लॉक नहीं है और ओके किया। आप देखें ये जैसे ही रेफरेंस नंबर इसको मिला वो पूरी रॉ हाईलाइट हो गई। इसको मैंने कहा कि रॉ नंबर सॉरी इनवॉइस नंबर 41 हाईलाइट कर दे, इनवॉइस नंबर 42 हाईलाइट कर दे। आप देखिए पूरी पूरी रॉ हमारी हाईलाइट हो रही है। तो
तो ये सिंपल टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज करते हैं। अब यही काम यहाँ पर डेट में आगे दिखाया हुआ है, आपको आगे यही तरीका जो है ना वो सपोज टैक्स के साथ दिखाया हुआ होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक डेट के साथ करके दिखा देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, अब करना क्या है कि हमने सिंपल अगर एक ही सेल हाईलाइट करना है कि भाई ये डेट जब इस डेट से मैच हो जाए, तो मैंने सिर्फ डेट के कॉलम को ही सेलेक्ट किया और हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हमने कहा हाईलाइट द न्यू सेल, यूज द फार्मूला टू डिटरमाइन, और हमने कहा इक्वल टू दिस सेल वैल्यू इज इक्वल टू दिस सेल हो, और इस पे मैंने रॉ को हाईलाइट नहीं किया, रॉ को अनलॉक कर दिया और कॉलम को लॉक रहने दिया और कलर मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया। ओके एंड देन ओके। अब आप देखें ये डेट जहां जहां पर भी आ रही है वो हाईलाइटेड है, और हमने कल ये डिस्कस किया था कि इसमें फिल्टर भी लग सकता है। तो अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया तो फिल्टर लग गया, और मैंने कहा आप वो डेटा दिखा दो जो कि फिल्टर्ड है, तो पूरी शीट में जहां जहां पर ये डेट्स मैच हो रही है उस डेट की डिटेल्स मेरे पास पॉपुलेट हो गई, और इसी तरह से मैंने इसको क्लियर कर दिया, ये डेटा दोबारा नॉर्मलाइज हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये सिर्फ एक कॉलम के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर मैं चाहूँ कि ये तमाम पूरी डेटा को हाईलाइट कर दे तो अगेन मुझे रूल्स को खत्म करना होगा। और फिर मैंने अपने पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट किया और मैंने कहा द कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करे उन रिकॉर्ड्स को, द सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस सेल, और वही तरीका होगा रॉ को लॉक से हटाएंगे कॉलम को रहने देंगे। लेकिन ये काम करने से पहले मैंने क्या किया था, पूरा डाटा सेलेक्ट किया था। तो अब आप देखें पूरी पूरी रॉज मेरी सेलेक्टेड है और हाईलाइटेड है। तो आगे जो बनी बनाई एग्जांपल्स हैं, मैं चाहूंगा कि इनको आप जरूर चेक करना कि ये कैसे काम कर रही है, और ये चेक करने का तरीका क्या होगा कि आपने इनको सेलेक्ट किया और फिर आप चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में, तो ये रूल आपके पास आ गया और यहाँ क्या इनवॉइस इंडेक्स अप्लाइड हुआ है, और ही लॉजिक और हमने पढ़ी थी इफ की अंदर फार्मूला जब पढ़ा था, हमने कहा और A9 की वैल्यू अगर इक्वल्स टू A4 के और A9 की वैल्यू अगर इक्वल्स टू A5 के, तो फिर नेट सेल को हाईलाइट कर दे वरना ना करे। तो ये बने हुए रूल्स है जिसको आपने पढ़ना है सेल्फ, अगर कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप बता देना, वरना मेरा ख्याल है 99% अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाएंगे तो आपको हर एक का बना हुआ रूल मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैच का फंक्शन हमने पढ़ा था, हमने कहा मैच करे दिस वैल्यू को इस सेल की वैल्यू को इतनी पूरी रेंज में और एग्जैक्ट मैच करे। तो जहां पर इन सारी इनवॉइसेस के दरमियान इनवॉइस नंबर मिल रही है वो हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इनको आप सेल्फ